हे दोस्तों नमस्कार। हमारे अपने YouTube चैनल टोटल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे MP पुलिस के लिए जिले आवंटन किए गए हैं, पदस्थापन इकाई आवंटन की गई है तो उसके रिजल्ट आ चुके हैं, यानी ये फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आइए बात करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा, तो आइए बात करते हैं कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल पर जाइए, इस पे MPPEB जिसका फुल फॉर्म मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड टाइप करें गूगल पर, किसी भी ब्राउजर में क्रोम या ओपेरा मिनी, ठीक है। इसके बाद आप पेज खुलने पर भाषा का चयन करें, हिंदी या इंग्लिश। भाषा चयन करने पर आप नवीन सूचनाओं पर क्लिक करें। नवीन सूचनाओं पर आप क्लिक करने के बाद MP पुलिस 2017 पद स्थापन इकाई पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको 8 डिजिट का रोल नंबर और पासवर्ड डालने के लिए बोलेंगे वो लोग, उसमें मतलब आपको टाइप करना होगा। ये टाइप करने के बाद आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर जो रिजल्ट आए उसको डाउनलोड कर लें, उसमें आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें आपको पता चल जाएगा वो कौन सा जिला वगैरह आवंटित हुआ है। और इसके बाद दोस्तों इसके बाद आपके क्या क्या स्टेप होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन, ये दो तीन चीज़ और होनी है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमने आपको ये MP पुलिस का जो पदस्थापन इकाई जो आवंटित की गई है ना, उसके बारे में हमने आपको बताया। ये लगभग फाइनल रिजल्ट ही समझ लीजिए, ये फाइनल रिजल्ट ही हो गया दोस्तों, फाइनल रिजल्ट ही है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखने की बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग और ये GK के काफ़ी क्वेश्चन डाले गए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। वही क्वेश्चन डालते हैं हम लोग जो आपके मतलब पुराने एग्जाम में आ चुके हैं। और हम MPPSC की काफ़ी अच्छी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम MPPSC के आंसर कैसे लिखें, कितने क्या शब्द सीमा, MPPSC कॉमेंस की कॉपी कैसे आती है, प्री का कितना के कट ऑफ रहेगा, हमारे पर अवेलेबल है सब्जेक्ट कट ऑफ। तो और हम जो भी करंट के टॉपिक रहते हैं उन पर भी हम वीडियो डालते रहते हैं, जो जैसे कि SC ST Act, महाभियोग और ये तीन धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और साथ में आप कमेंट या लाइक जरूर करें। धन्यवाद।